अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आज का लेक्चर शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं पढ़ाई को लेके। हमने क्लास की तरफ से काफी कोशिश किया कि हम आपको और आपके घर वालों को ये समझा सकें कि किस तरह से आप पढ़ाई पूरी करोगे। जो पेरेंट क्लास तक आ रहे हैं, हमारी इनसे बात हो रही है, हम उनको समझाते हैं कि इस तरह से बच्चों को रेडी करो, इस तरह से बच्चों को रेडी करो, लेकिन काफी सारे पेरेंट नहीं आ रहे। पता नहीं उसके पीछे क्या राज है, क्यों नहीं आ रहे। खैर, मर्जी उनकी है, उनके बच्चों की है। मैं आज आपको ये बताता हूं कि आप कैसे अपने दिन को बांटोगे पढ़ाई करने में। आपका वो जो पूरा एक दिन होता है, आप उसको कैसे बांटोगे वो देखना है। देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे छोड़ो, संडे पर आने। अब आपका जो 24 घंटा होता है ना, उसको आप तीन हिस्सों में बांटो। अगर आप सुबह 10 बजे उठ रहे हो, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आप सुबह 2 घंटा पढ़ाई करो, लर्निंग। और अगर आप 1 बजे सोके उठ रहे हो, तो हाँ वो ज्यादती है, आप वो गलत कर रहे हैं। जब आपकी स्कूल थी तो आप सुबह 7 बजे 6 बजे उठ जाते थे ना, तो फिर अब क्यों नहीं। तो अगर आप 10 बजे तक उठे तो ठीक, लेकिन अपने आप को फ्रेश करके, नाश्ता वाश्ता करके 11 बजे किताब हाथ में आ ही जाना चाहिए, 11 से 2 या 11 से 2:30 या 11 से 1, 2 घंटा कसरत से याद करोगे, लर्निंग। अब लर्निंग भी कैसा, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी। हर दिन एक टारगेट बनाओ कि एक चैप्टर फिनिश होना चाहिए हर दिन। चलो, जो अच्छे बच्चे हैं, जिनका मेमोराइज करने की शक्ति ज्यादा है, वो अगर एक दिन में काम कर ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कमजोर किस्म के बच्चे हैं, जिनको थोड़ा समय लगता है, तो 2 दिन ले लो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एक चैप्टर को इतना टाइम देंगे। तो एक दिन में एक चैप्टर याद होना ही चाहिए, अगर बहुत बहुत तो 2 दिन में एक चैप्टर याद होना ही चाहिए। हफ्ते में, जैसे यहां मैं बोलूं 2 दिन में एक चैप्टर, 2 दिन में एक चैप्टर, 2 दिन में एक चैप्टर, तो हफ्ते में 3 चैप्टर याद कर ले रहे, अच्छा। फिर उसके बाद सो जाओ, शाम में उठो या सोने से पहले 1 घंटा आप यहां पे ना लैंग्वेज प्रैक्टिस करो, लैंग्वेज इंग्लिश की लगभग प्रैक्टिस करो इंग्लिश, फिर 2 दिन मराठी की प्रैक्टिस करो और फिर 2 दिन हिंदी की प्रैक्टिस करो। आई बात समझ, आपको जो हमारे पास से वर्कबुक दी गई है वो आपको डाइजेस्ट से देख के भर नहीं लेना है, किसी काम का नहीं। जब आप लेक्चर सुनो तो उस लेक्चर के बेस पे वर्कबुक सॉल्व करो पेंसिल से और फिर चेक करो गाइड से कि आपने कितना सही लिखा है। अगर सही लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सही नहीं लिखा है तो तुरंत अपने आप को करेक्ट करो। उसके बाद लेट नाइट या 8-9 बजे 1 घंटा और करो, फिर यहां पे आप अपना मैथ्स प्रैक्टिस करो। या आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, इस तरह से आपको आपका दिन बांटना है। रोज 4 घंटा पढ़ाई होनी ही है, 2 घंटा लर्निंग में दो, 1 घंटा लैंग्वेज के लिए दो और 1 घंटा मैथ्स के लिए दो। और ये एक स्ट्रोक में मत दो, आप थक जाओ। अपने दिन को बांटो,
कि हम इस फिलहाल हम जब सबसे एक्टिव होते हैं तो वो दो घंटे में हम याद करेंगे, फिर हम जब थोड़ा सुस्त होते हैं तो हम वहां पे लैंग्वेज करेंगे, और फिर जब हम एकदम सुस्त होते हैं तो हम मैथ्स करेंगे। इस तरह से पढ़ो, है ना। बहुत पेरेंट्स से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। बच्चों, आप अपने लिए ना एक गड्ढा खोद रहे हो, उस गड्ढे में जाके आप गिरने वाले हो। बहुत बहुत ना बहुत बहुत मामला सितंबर तक जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा चीज अगर एक्सटेंड भी हुई ना सितंबर तक तो स्कूल खुली जाएगी। उसके बाद क्या, उसके बाद एक इतना बोझ आएगा ना आपके ऊपर स्कूल की तरफ से भी, क्लास की तरफ से भी, कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो अगर आप उस बोझ से बचना चाहते हो तो इस शेड्यूल को फॉलो करो। देखो, खेलो कूदो आतंक मचाओ ये सब आपका काम है, लेकिन पढ़ना भी आपका काम है। अब तो बहुत अच्छा हो गया है, जो 6 घंटा 7 घंटा स्कूल कंज्यूम कर लेता था, जो 3 घंटा क्लास कंज्यूम कर लेता था, जो दिन भर के आपके 9-10 घंटे ऐसे ही चले जाते थे आने जाने में, अब तो वो सारा टाइम बच रहा है ना। तो वो जो बचा हुआ टाइम है तो उसमें पढ़ाई करो ना यार। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको घर में रहने मिल रहा है। जब एक बार क्लास और स्कूल खुल जाएगी ना तो आप अपॉर्चुनिटी खो चुके होंगे। तो बेवकूफी मत करो, इस समय को प्रोडक्टिव बनाओ, इस्तेमाल करो। तो ये शेड्यूल जैसे मैंने बनाया हूं उस पर चलो, देखो आपको फायदा होगा। और मैथ्स भी ना रिपीटेडली करो यार, बार बार। ऐसा नहीं कि पिछले महीने मैंने चैप्टर में 1 किया था तो अब अगले महीने में चैप्टर में 2 करूंगा, नहीं, दोहराते रहो। मैथ्स ऐसी चीज है जो बार बार कीजिए, और सिर्फ मैथ्स मत करो। कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ पेरेंट आगे कहते हैं कि मेरा बच्चा दिन भर लेके आपका लेक्चर सुनते रहते हैं। अब मैं क्या शाहरुख खान हूं जो मुझे सुनते रहते हो? सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, लिखने से होने वाला है। मुझे सुनने के बाद बुक बंद करके बिना देखे चीजों को लिखो भी। तो 15 साल के आप होने आए हो या 15 साल के आप हो चुके हो, क्या आपको पता नहीं है कि सही और गलत क्या होता है? तो सही के तरफ बढ़ो प्लीज। ये मैं अपील करता हूं आप सभी लोगों से कि अपने आप को पढ़ाई की तरफ टर्न करो। बोर्ड उसी ही समय होने वाला है जिस समय हर साल होता था, वहां पे कोई मौका नहीं मिलेगा आपको, आप समझ नहीं रहे। प्लीज थोड़ा सा यार पढ़ाई की तरफ अपने आप को टर्न करो। अब हम चलते हैं हमारे सम की तरफ। मैंने जो कल आपको 4 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया था, या जो हम लोगों ने कल 4 प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, उसी ही 4 प्रॉपर्टी पे आज भी काम होना है। चलो देखो मैं क्या सोच रहा हूं। अगर ये सम मुझे एग्जाम में आ जाए तो मेरी सबसे पहले नजर यहां जाएगी, देखना यहां देख रहे हो। अगर मुझे ये सम एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले मेरी नजर यहां पे जाएगी। ट्रायंगल के एरिया की मांग हो रही है प्रपोर्शन में, ये 1.1 का सम है। एग्जाम में आपको ऐसा लिख के नहीं आएगा 1.1, आपको सोचना होगा। ट्रायंगल के एरिया की मांग हो रही है, ये 1.1 का सम है। 1.1 चार प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, 1.1 चार प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। पहली प्रॉपर्टी, बेस सेम तो एरिया हाइट के बराबर, हाइट सेम तो एरिया बेस के बराबर। जब दोनों सेम, बेस भी सेम हाइट भी सेम तो एरिया 1/1 के बराबर, और जब कुछ नहीं सेम तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलो, तो अगर मैं ट्रायंगल के एरिया की खोज में हूं, अगर मैं ट्रायंगल के एरिया की खोज में हूं तो उस 4 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो जाएगी। अब उस 4 प्रॉपर्टी में से मैं अगर बात करूं प्रॉपर्टी नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 2 या प्रॉपर्टी नंबर 3 या प्रॉपर्टी नंबर 4, चारों ही प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं बेस और हाइट की बात होती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सम शुरू करने से पहले हम बेस और हाइट चेक कर लें।
कल भी उन्होंने ऐसे ही किया था। तो ट्रायंगल के एरिया की मांग हो रही है, ये 1.1 का सम है, 1.1 का सम है, चार प्रॉपर्टी पे आंसर आना है, हर प्रॉपर्टी बेस और हेड को लेकर बात कर रहा है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि सम शुरू करने से पहले हम बेस और हेड को आइडेंटिफाई करें, मामला और क्लियर हो जाएगा। चलो अब कल भी मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, आप भी बना लिया करो, आसान होगा। एक है एबीसी नाम का ट्रायंगल और एक है एडीबी नाम का ट्रायंगल, सही, जिसके एरिया की मांग हो रही है, मैं उसका बेस और हाइट आइडेंटिफाई कर रहा हूं मेरे आसानी के। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट करो, कोई मसला नहीं है। चलो मुझे बेस चाहिए और मुझे हाइट चाहिए। एबीसी आप देख सकते हो एबीसी कहां है, देख रहे हो, अरे देख रहे हो एबीसी जो मैंने रेड में शेड किया। अब मुझे आप ये बताओ एबीसी का बेस क्या है और एबीसी का हाइट क्या है। तो आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर साइन है, इसने दो इशारा करी, जिस पे ट्रायंगल टिका है वो बेस है, एक एरो बेस शो कर दिया तो दूसरा एरो क्या शो करेगा, हाइट। ऐसे होता है ना, दिमाग एकदम रिलैक्स मोड पर रख के सोचो। ये रहा एबीसी नाम का ट्रायंगल, जिस पे ट्रायंगल टिका है वो बेस है, तो एक एरो ने बेस दिखाया तो दूसरा एरो क्या दिखाएगा, हाइट। चलो एबीसी का बेस क्या है, एबी, एबीसी का हाइट क्या है, बीसी, सही है, अरे सही है। अब एडीबी की बारी, बताओ एडीबी कहां है, जिसको मैंने ब्लू में मार्क किया, जिसको मैंने ब्लू से शेड किया। चलो अब एडीबी का बेस चाहिए और एडीबी का हाइट चाहिए, कैसे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। ये तक तो ऊपर वाला समझ में आ रहा था कि हाँ ये टिका हुआ है, सही, ऊपर वाला समझ में आ रहा था कि ये टिका हुआ है, नीचे वाला समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे तक क्या है। तो देखो अगर कभी ऐसा मामला आए ना कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको पता है कि हाँ परपेंडिकुलर की साइन यहां पे है तो ये बेस भी हो सकता है या हाइट भी हो सकता है, आपको पता है कि हाँ एक एरो यहां भी है तो ये बेस भी हो सकता है या हाइट भी हो सकता है, आप कंफ्यूज, सही। अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां पे ऊपर वाले ट्रायंगल, अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं, जिस पे टिका है वो बेस। लेकिन अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूं ना तो वहां पर मैं थोड़ा परेशान हूं, क्योंकि ऊपर वाला यहां टिका हुआ है तो क्या ट्रायंगल, तो क्या ट्रायंगल ऐसा एक पैर पे खड़ा है क्या, ऐसा है क्या, नहीं ना, बात समझ में आ रही है। कभी कभी ट्रायंगल को देखे हो क्या, ऐसा 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 खड़ा हुआ देखे हो क्या, गिर गया देखो। तो अगर मैं निचले ट्रायंगल की बात करूं तो वो इस नोट पे टिका हुआ दिख रहा है, कभी ट्रायंगल नोट पे टिकता है क्या, नहीं, देखो ये गिर रहा है, तो मैं थोड़ा सा परेशान, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस जहां पे टिका हुआ है उसको बेस मानूं क्या। तो ध्यान में आता है कि नहीं, जहां पे परपेंडिकुलर इशारा करेगा ना वहां से एक बेस होगा, वहां से एक हाइट होगा, तो मैंने इशारा देखा तो मुझे शक है कि ये बेस भी हो सकता है, ये हाइट भी हो सकता है, मुझे इस पर भी शक है कि ये बेस भी हो सकता है, ये हाइट भी हो सकता है, शक है, मुझे ऐसा कुछ पक्का नहीं पता कि वो क्या है। तो अगर कोई ऐसा वाक्य आए या अगर कोई ऐसा सम आए जिसमें आपको पता है कि हाँ वो बेस या हाइट हो सकता है और आप श्योर नहीं, तो आप लोगों क्या करना, आप गिवन पे आ जाना, जब भी मामला अटके तो आप गिवन पे आ जाना, गिवन की इंफॉर्मेशन पढ़ के आपको और चीज पक्की हो जाएगी,
देखते BC is making perpendicular on AB. जो BC है वो perpendicular बना रहा है AB पे. जो perpendicular बनाता है वो height होती है और जिस पे perpendicular बनता है वो base होता है. सुने? अरे सुने, मैं एक नियम बता रहा हूं आपको. जिसने perpendicular बनाया वो height, जिस पे परपेंडिकुलर बना वो बेस. तो देखो, अगर बीसी एबी पे परपेंडिकुलर बना रहा है तो बीसी हाइट होगा. बीसी हाइट है, सही. एबी पे परपेंडिकुलर बन रहा है, एबी बेस होगा. तो ये तो बात थी एबीसी की. मुझे एबीसी में कोई कंफ्यूजन नहीं था. मुझे तो इस एडीबी में कंफ्यूजन है ना. मुझे किस पर कंफ्यूजन है? एडीबी. तो देखो, ये देखो, AD is perpendicular on AB. क्या बोला गया है? AD is perpendicular on AB. जिस AB को मैं ये देख के सोच रहा था कि ये बेस भी हो सकता है, ये हाइट भी हो सकता है, यहां पढ़ने पे मालूम पड़ रहा है कि AD perpendicular बना रहा है. जो perpendicular बना रहा है वो हाइट है, जिस पे perpendicular बन रहा है वो बेस है. समझ में आया. परपेंडिकुलर ने दो इशारा किया, ये बेस भी हो सकता है, ये हाइट भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है, ये हाइट भी हो सकता है, क्योंकि यहां भी सीधी लाइन और यहां भी सीधी लाइन. मैं कंफ्यूज्ड, मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कौन बेस और कौन हाइट. तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ, एक रास्ता है, गिवन को पढ़ते हैं. जब भी कहीं अटको ना तो गिवन को पढ़ लिया करो, आपकी समस्या हल हो जाएगी. तो जब मैंने गिवन को पढ़ा तो मालूम पड़ा AD परपेंडिकुलर बना रहा है. क्या मालूम पड़ा? AD परपेंडिकुलर बना रहा है. किस पे बना रहा है? AB पे. जिसने परपेंडिकुलर बनाया वो हाइट, जिस पे परपेंडिकुलर बना वो बेस. तो अगर मैं मुझसे पूछे AD क्या है, तो बोलूंगा AD क्या है? हाइट. ठीक. और AB क्या है? बेस. समझा? तो अगर डायग्राम देख के चीज नहीं समझ में आ रही है या थोड़ा शक हो रहा है तो गिवन पर क्या. अब देखो मैं क्या बोलूंगा, मेरा जुमला सुनना. मेरा जुमला सुनना, देखो मैं क्या बोलूंगा. सुनना ध्यान से. देखो, अगर बात है एबीसी की तो एबीसी की एबीसी एबी पे टिका हुआ है. सुन रहे हो? अगर बात है ट्राइंगल एबीसी की तो ट्राइंगल एबीसी एबी पे टिका हुआ है. और अगर बात है ट्राइंगल ए डी बी की तो ए डी बी ए बी पे लटका हुआ है. लटका हुआ है, टिका हुआ नहीं है, लटका हुआ है. सुने? अरे सुने, टिका है तो वो ए बी पे टिका है, लटका है तो वो ए बी पे लटका हुआ है. लेकिन है तो दोनों ही बेस ना. अगर ये हट जाए तो ना ये टिक पाएगा और ना ये लटक पाएगा. तो ये क्या है? बेस का फाउंडेशन. तो मुझे थोड़ी सी अड़चन हुई दूसरे ट्रायंगल का बेस और हाइट फाइंड करने की. लेकिन अगर मैं गिवन पढ़ूं तो जिसने परपेंडिकुलर बनाया वो हाइट, जिस पे परपेंडिकुलर बना वो बेस. हाइट के बदले एडी लिख लो, बेस के बदले एबी लिख लो. क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जिस ट्रायंगल के एरिया की मांग हो रही है उनकी कोई चीज सेम है या नहीं? तब बोलोगे हाँ, उनका बेस सेम है. क्या बोलोगे? उनका बेस सेम है. बेस सेम तो एरिया हाइट के बराबर. ठीक. तो अगर मैं कहूं आपसे कि इस सब में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, तब बोलोगे इस सब में बेस सेम है तो एरिया हाइट के बराबर वो वाली प्रॉपर्टी यूज होगी. अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस सब नंबर टू में कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, तो आप क्या बोलोगे? इस सब नंबर टू में बेस सेम है तो एरिया हाइट के बराबर ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी. तो सारा खेल मालूम क्या है कि कैसे आप ये पहचान करते हो कि इनका बेस सेम है या इनका हाइट सेम है. चलो देखते हैं, सम स्टार्ट करके फिनिश करते हैं. देखो, सिंस ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल A, B, B have same
बेस। सही है। देयरफॉर इनका जो एरिया है ना, इनका जो एरिया है वो उनके बेस के बराबर, वो उनके बेस के बराबर। सही है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल को पहला ट्रायंगल मान के वन दे दूंगा, दूसरे वाले ट्रायंगल को दूसरा ट्रायंगल मान के दे दूंगा। ट्रायंगल का एरिया बेस के बराबर कैसा, रीजन चाहिए। सुने हैं, ट्रायंगल का एरिया बेस के बराबर कैसा, रीजन चाहिए। तब बोलोगे सिंस ट्रायंगल हैव सेम बेस। अरे समझ में आ रही बात, अरे समझ में आ रही है बात। तब बोलोगे सर बात तो समझ में आ रही है, लेकिन कल तो ऐसा नहीं कराए थे, कल तो डायरेक्ट नाम लिखे थे। तो मैं बोलूंगा कल चार काम करने का था, कल ज्यादा काम करना था इसलिए चीजों को नहीं फैलाया, आज एक ही काम करना है तो चीजों को फैला रहा हूं। बात समझ में आ रही है, कल अपने चार लोगों को फाइंड किया था, अब अगर सबको फैला फैला के लिखता तो कितनी जगह चले गई होती। तो कल अपन ने कम काम करके लिखा है क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा काम था, अब अपन एक ही काम कर रहे हैं, चीजों को फैला फैला के लिखेंगे डिटेल में, पेपर भरा भरा लगना चाहिए ना। हाँ चलो, समझ में आया। अब समझ में आया, ट्रायंगल के एरिया की मांग हो रही है, ये 1.1 का सम है, 1.1 में चार प्रॉपर्टी पे काम होता है, कोई भी प्रॉपर्टी बेस और हाइट को लेके बात करती है। तो बिफोर स्टार्टिंग द सम हम बेस और हाइट आइडेंटिफाई करेंगे, सारी असलियत सामने आ जाएगी। मैंने बेस और हाइट को आइडेंटिफाई किया, मालूम पड़ेगा बेस सेम है तो एरिया हाइट के बराबर होना है, बेस सेम है तो एरिया हाइट के बराबर होना है। ओ, बेस सेम है तो एरिया हाइट के बराबर होना है। सुने कि नहीं सुने, बेस सेम है तो एरिया हाइट के बराबर होना है। तो ट्रायंगल का एरिया हाइट के बराबर कैसा, चंद्र प्रोविजन लिखो सिंस ट्रायंगल है सेम। समझ में आ रही बात, अरे समझ में आ रही बात है ना, ट्रायंगल का एरिया हाइट के बराबर कैसा, क्योंकि इनका बेस सेम है। देखो आप देखो बेस सेम है ना, बस अब क्या है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी बी अपने को चाहिए। अब एच वन मतलब हाइट वन, पहले ट्रायंगल की हाइट, तो एबीसी की हाइट क्या है, बी सी। उसके बाद एबीबी, एबीबी की हाइट क्या है, एच टू, एच टू मतलब हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल, तो सेकंड ट्रायंगल क्या है, एबीबी, एबी। चलो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, क्या मैं बीसी जानता हूं, फोर, क्या मैं एडी जानता हूं, एट, फोर वन जा फोर टू जा। आखिरी में आप बोलोगे कि जो अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी चाहिए था ना, वो 1/2 है और ये आपका आखिरी वाला आंसर। समझ में आया, अरे समझ में आया, ये दो मत का सम है, हाँ एकदम अपने आप में आसान, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक, तो फिर से हम थोड़ा सा देख ले समझो, ट्रायंगल के एरिया की मांग हो रही है प्रोपोर्शनल में, ये 1.1 का सम है, अगर ये 1.1 का सम है तो हम चार प्रॉपर्टी पे काम करते हैं, चारों ही प्रॉपर्टी बेस और हाइट को लेकर बात करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सम शुरू करने से पहले जिस ट्रायंगल का एरिया चाहिए उसका बेस और हाइट आइडेंटिफाई कर लिया, उसका बेस और हाइट आइडेंटिफाई कर लिया। बेस और हाइट आइडेंटिफाई करने को मालूम पड़ा कि उनका बेस सेम है तो ये हाइट के बराबर, सिंस जो ट्रायंगल है उनका बेस सेम है तो उनका एरिया हाइट के बराबर। ट्रायंगल का एरिया हाइट के बराबर कैसा,
रीजन देना जरूरी है। तो आप लोग यहाँ से दिया हुआ था, अरे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ठीक है, अरे ठीक है, फिर क्या है, एक दो तीन चार, चार में से दो चीज चाहिए, आगे बढ़ाओ। एच वन मतलब हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, तो हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बीसी। एच टू मतलब हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल, हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल एबी। मैं बीसी जानता हूं चार, मैं डी जानता हूं आठ, काटो, जो बच गया वो अपना आंसर। सम नंबर टू फिनिश हो गया, एक और सम सॉल्व करते हैं। सम नंबर फोर, क्या मांगा है सबसे पहले उसी को देखते हैं, क्योंकि क्या मांगा है ही देखने बाद मालूम पड़ता है कि वो कौन से एक्सरसाइज से बिलोंग करता है। एरिया की मांग हो रही है रेशियो में, ये 1.1 का सम है। अभी तो आपको यहां पे लिखा हुआ 1.1 दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में चलो लिख जाएगा 1.1। एरिया की मांग हो रही है रेशियो में, ये 1.1 का सम है। एरिया की मांग हो रही है रेशियो में, ये 1.1 का समय। 1.1 चार प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, अपर गुरु का प्रॉपर्टी कितना बोलने का तो याद रहना चाहिए। चार प्रॉपर्टी बेस्ड है, मैं सम सॉल्व करूं उससे पहले जिनकी मांग हो रही है उसका मैं बेस और हाइट फाइंड कर देता हूं, तो काफी आसान रहता है मामला समझने के लिए। तो मेरी सोच समझ में आएगी नहीं आपको, अगर आप देख रहे हो कि मैं कैसे सोच रहा हूं, तो सबसे पहले मैं वहां पे आ जाता हूं जिसकी मांग हुई। यहां से मालूम पड़ता है कि 1.1 का समय, 1.1 का समय मतलब चार प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी बेस और हाइट को लेके बात हो करता है, तो क्यों ना पहले सम सॉल्व करने से पहले हम बेस और हाइट को ढूंढें। एक ट्रायंगल है एबीसी, दूसरा ट्रायंगल है बीसीडी। एबीसी का बेस और एबीसी का हाइट, बीसीडी का बेस और बीसीडी का हाइट। चलो एबीसी देख रहा, कोई एबीसी है, एबीसी एबीसी का बेस, एबीसी टिका है बीसी पे तो बीसी बेस हो जाएगा। ए बी सी का सबसे ऊंचा पॉइंट ए है, ए से हाइट बनती हुई भी दिख रही है ना। ए बी सी का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, ए, उस ऊंचे पॉइंट से हाइट बनती हुई भी दिख रही है। अब ये जो दिख रहा है आपको, जो मैंने डार्क कलर करके रखा हूं, ये एक एरो मैं इसको मिटा देता हूं, ज्यादा डार्क हो गया है वो। ये एक एरो इशारा कर रहा है एक चीज पे, ये दूसरा एरो इशारा कर रहा है दूसरी चीज पे। अगर बीसी बेस बोल के चला गया तो जो बच गया दूसरा एरो वो क्या होगा, हाइट। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि एबीसी की हाइट क्या है, ए बी सी की हाइट क्या है, तो मैं बोलूंगा सेकेंड एरो इशारा कर रहा है एपी पे, तो एपी क्या है, हाइट। सही, अरे सही। अब बारी बीसीडी की, इसकी बारी बीसीडी की। हाँ चलो देखने का, बीसीडी, बी सी डी, बी सी डी भी टिका हुआ है बीसी पे। एकदम ध्यान से, बीसीडी भी टिका हुआ है बीसी पे। अब अगर मैंने बीसीडी का बेस आइडेंटिफाई कर लिया हूं, तो चलो बीसीडी का हाइट आइडेंटिफाई करते हैं। सुने, अरे सुनेगी सुने, अगर मैंने बीसीडी का बेस आइडेंटिफाई कर लिया हूं, तो चलो बीसीडी का हाइट आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे ही मैं हाइट आइडेंटिफाई करने गया ना, तो मुझे ना एक प्रॉपर्टी ध्यान में आती है। वो प्रॉपर्टी क्या है सुनना, अगर दो ट्राइंगल या दो से ज्यादा ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं, अगर दो ट्राइंगल या दो से ज्यादा ट्राइंगल
पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं तो उस दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल की हाइट आपस में इक्वल होगी। प्रॉपर्टी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे ही मैं बी सी डी की हाइट ढूंढने गया तो मेरे ध्यान में आता है कि यहां पे ना क्वेश्चन ने एक जिक्र किया है ए बी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी इज पैरेलल टू बी सी। जैसे ही मैं बी सी डी की हाइट ढूंढने गया, जैसे ही मैं बी सी डी की हाइट ढूंढने गया तो मेरे जहन में ये बात घूमने लगी, दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है तो उस दो लाइन में आने वाले ट्रायंगल की हाइट आपस में क्या होगी, इक्वल। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। अगर ट्रायंगल की हाइट इक्वल होगी, अगर ट्रायंगल की हाइट इक्वल होगी तो जो हाइट एबीसी की थी वही हाइट बीसीडी की भी होगी। तब बोले कैसा, बीसीडी के बाहर है एबी, तो बोले वो सब छोड़ दो, बाहर अंदर प्रॉपर्टी फॉलो करो। क्या फॉलो करो? प्रॉपर्टी। तो क्या सिखाया मैंने आपको, दो पैरेलल लाइन उसके बीच में आने वाले ट्रायंगल उनकी हाइट आपस में क्या होगी, इक्वल। याद करो याद, है ना। तुम्हारे अगर मैं घर का एड्रेस पूछूं कि बताओ अपने घर का एड्रेस क्या है तो फटाफट बोलोगे हाँ रूम नंबर 306 ए विंग दानियाल मंजिल। तो कभी सबूत मांगे हो कैसा एड्रेस आया मेरा? नहीं ना। सेम प्रॉपर्टी को बिना समझे याद कर लेने का, वो किसी ना किसी ने समझा के गया है, आप मत समझो, आप खाली समझो, है ना। तो जैसे ही मैं बी सी डी की हाइट ढूंढने गया, जैसे ही मैं बीसीडी की हाइट ढूंढने गया, मुझे ध्यान में आया कि ये जो बीसीडी है और ये जो एबीसी है ये पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है। जैसे ही मैं बीसीडी की हाइट ढूंढने गया तो मेरे ध्यान में आया ये बीसीडी और ये एबीसी दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है, पैरेलल लाइन के बीच में आने वाले ट्राइंगल की हाइट इक्वल होती है। अब मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं बीसीडी की हाइट ढूंढूं, जरूरत नहीं है कि मैं बीसीडी की हाइट ढूंढूं, जो हाइट पहले वाले की है वो हाइट दूसरे वाले की है। और अगर पूछे ऐसा एपी तो बीसीडी के बाहर आ रहा है तो बोलो बाहर अंदर फिलहाल मत देखो, हमने प्रॉपर्टी से इक्वल लाया है, हमने प्रॉपर्टी से इक्वल लाया है। फिर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वो दो ट्राइंगल है जिनका बेस भी इक्वल है, उनका हाइट भी इक्वल है, तो इनका एरिया क्या आएगा, 1/1। आगे ना आंसर, अरे आया कि नहीं आया। तो कल तक हम लोग ने तीन प्रॉपर्टी देख चुके थे, बेस सेम तो एरिया हाइट के बराबर, हाइट सेम तो एरिया बेस के बराबर, कुछ नहीं सेम तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जब सब कुछ सेम, आई बस समझ में, आई बस समझ में। अब कुछ कुछ मैं सम फिनिश करूं, मैं कुछ कुछ आपको और चीजें समझा दू, सुनना जल्दी से आपके काम की चीज। कभी आपने एक्यूट एंगल ट्राइंगल सुना है क्या? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल को तीन एंगल होते हैं, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है, तो ये क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये भी ट्राइंगल है, ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, लेकिन ये 90 से ज्यादा है, देख रहे हो ये 90 से ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं ना वो थोड़ा सा ना मेहनत करो, मेहनत करो मतलब जो मैं कहता हूं ना वो आप अपने बुक में ढूंढो या गूगल ट्रांसलेट है, अगर आप अपने पे आ गए ना चीजों को ढूंढने में तो आप क्या नहीं कर सकते। तो अभी हम सेपरेट उर्दू के लेक्चर नहीं चला रहे हैं, लेकिन चलाएंगे, फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा सा ना हमारे साथ कोशिश करो चीजों को समझने की। चलो बाकी इंग्लिश वालों को समझ में आ रहा होगा और ऑब्जर्वेटर वालों को समझ में आ रहा होगा, एक ट्राइंगल जिसके सारे एंगल 90 से कम हो उसे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा है उसे हम ऑब्ट्यूज कहते हैं। अब अगर वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना तो उसकी हाइट ट्राइंगल के अंदर बनती है,
ये सब देख सकते ए बी सी किसको देख रहे हो, ए बी सी को, ए भी बंद हो रहा है 90 से कम, बी भी बंद हो रहा है 90 से कम, सी भी बंद हो रहा है 90 से कम, और देखो हाइट ट्राइंगल के अंदर बनती है, हाइट ट्राइंगल के अंदर बनती है। अगर वो ऑब्ट्यूज है तो देखो ऑब्ट्यूज का जैसे अगर मैं उसका नाम दूं ए बी और सी, ऑब्ट्यूज का सबसे ऊंचा हिस्सा ए, अगर मैं सबसे ऊंचे हिस्से से हाइट बनाऊं और फिर यहां पर मैं मजबूरी में एक लाइन क्रिएट करूं तो यहां पे क्या बनेगा परपेंडिकुलर। एक्यूट की हाइट ट्राइंगल के अंदर बनती है, ऑब्ट्यूज की हाइट ट्राइंगल के बाहर बनती है। तो जो मेरा दूसरा ट्राइंगल है ना बी सी डी, देखो ये खुल रहा है, देखो बी बंद है, बी बंद है लेकिन देखो सी खुल रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज है। बी बंद है, डी बंद है, सी खुल रहा है, तो बी सी डी ऑब्ट्यूज है। इसकी हाइट ट्राइंगल के बाहर बननी थी। यहां पे आप अगर बीसीडी को देखो, बीसीडी जरा गौर से मैं जो आपको ऑब्जर्व करने बोला ना देखते रहो, अगर आप बीसीडी को देखो तो बीसीडी के अंदर हाइट नहीं है। हाइट जब तक ऐसी निशानी ना आ जाए आप हाइट नहीं ला सकते। तो बीसीडी की हाइट ही नहीं है, लेकिन अगर मैं हाइट बनाऊं तो हाइट ट्राइंगल के बाहर बनेगी। फिलहाल इस सब में हाइट बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोल के काम चलाओगे, दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, जो हाइट पहले वाले की है वही हाइट दूसरे वाले की भी है। यहां पे ये मुद्दा नहीं है कि चलो ऑब्ट्यूज की हाइट बनाओ या ऑब्ट्यूज की हाइट क्या है, यहां पे अपने को हाइट सेम है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। ये तो मैंने आपको ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन दी। अगर कोई पूछे कि एक्यूट ट्राइंगल की हाइट कहां बनती है तो आप बोलोगे ट्राइंगल के अंदर टॉप मोस्ट पॉइंट से, और अगर कोई बोले ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट कहां बनती है तो आप बोलोगे ट्राइंगल के बाहर। यहां एक्यूट की हाइट बनी हुई है, यहां ऑब्ट्यूज की हाइट मैं बनाता लेकिन जरूरत ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, जो हाइट पहले वाले की वो हाइट दूसरे वाले की। अगर आपके मन में हल्का भी ख्याल आ रहा होगा ना सर एपी कैसे हाइट हो सकता है, एपी तो बीसीडी का एलिमेंट ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा एपी को हम प्रॉपर्टी से हाइट लेके आए हैं। काफी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा सर हाउ इट इज पॉसिबल दैट एपी इज हाइट ऑफ बीसीडी, एपी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बीसीडी, है ना, एपी कैसे बीसीडी का हाइट हो सकता है, एपी तो बीसीडी का हिस्सा ही नहीं है। मैं हाँ सही कह रहा, एपी बीसीडी का हिस्सा नहीं है, एपी बीसीडी का हिस्सा नहीं है। यहां पे तो हमने अपना मकसद पूरा किया, हमने प्रॉपर्टी से कहा कि इनकी हाइट क्या है, आपस में इक्वल है। बात समझ में आ रही है? अरे जैसा सम है ना वैसी करवट लेनी पड़ती है। तो अब मैं पूरा सम एक साथ आपको रिवाइंड करवाता हूं। ट्राइंगल का एरिया चाहिए था रेशियो में, हाँ ये 1.1 का सम है, 1.1 का सम है मतलब चार प्रॉपर्टी पे काम होना है, हर प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं बेस और हाइट को लेकर बात करती है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सम की शुरुआत में ही बेस और हाइट लिया जाए। ढूंढा एबीसी का बेस बीसी, एबीसी का हाइट एपी, बीसीडी का बेस बीसी। जैसे ही मैं बीसीडी का हाइट ढूंढने गया तो मैंने देखा बीसीडी की तो हाइट ही नहीं है, 90 लाए थे, अब वहां पे बनाओ नहीं, आपका माइंड क्लिक करेगा। बीसीडी और एबीसी दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, तो जो हाइट एबीसी की है वही हाइट बीसीडी की भी होगी, तो इस प्रॉपर्टी से आप बीसीडी की हाइट ले आए। क्या ऑब्जर्व किया, बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो एरिया क्या आएगा 1/1 और आपका काम खत्म। एरिया क्या आएगा 1/1 और काम खत्म, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि यहां पे जिस दो ट्राइंगल के एरिया की मांग हो रही है उनका बेस और हाइट सेम। अब इस तरह के सम में हम स्टेटमेंट यूज करते हैं, देखना मैं कैसे स्टेटमेंट यूज करता हूं। ध्यान से सिंस
ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी हैव सेम बेस। और क्या आप बेस का नाम जानते हो? सेंट्रल लिंक ऑफ दैट इज बी सी। तो मैं यहां पे कह रहा हूं जो दो ट्रायंगल है ना उनका बेस सेम है, ये एक बात होगी। फिर सिंस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन, सुनेंगे मैंने पहली बार में कहा कि दो ट्रायंगल है इनका बेस सेम है। अब मैंने स्टार्टिंग में प्रूव कर दिया था, जो मैं देखो मैंने यहां पे लिखा था मैंने मिटा दिया, मैंने शुरुआत में ही प्रूव कर दिया था कि इनकी हाइट भी सेम है लेकिन प्रॉपर्टी सेम, मैं वो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। सिंस ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन देयरफॉर देयर हाइट इज सेम। समझा? अरे समझा, बेस सेम है, बेस में जानता था, मैंने बेस का नाम लिख दिया है। हाइट प्रॉपर्टी से सेम है, मैं यहां पर हाइट का नाम नहीं लिखूंगा, वो अंडरस्टूड कि हाँ हाइट सेम है। अब एक तरफ मैं कह रहा हूं बेस सेम है, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं हाइट सेम है, तीसरी तरफ अंत में मैं कहूंगा देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीसीडी हैव सेम बेस एंड सेम हाइट। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने आपसे 1.1 की चार प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया, तो वो प्रॉपर्टी जहां पे बेस भी सेम है, वो प्रॉपर्टी जहां पे हाइट भी सेम है, वहां पे आप स्टेटमेंट यूज करोगे। कैसे? आपने पहले कहा कि दो ट्रायंगल उनका बेस सेम है और बेस हमको दिखाई दे रहा है बीसी नाम से। फिर दो ट्रायंगल उनका हाइट सेम है, लेकिन हाइट कैसा सेम है? हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया सिंस ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन देयरफॉर देयर हाइट्स इज सेम, है ना। तो बेस तो दिखाई दे रहा है, हाइट प्रॉपर्टी से लाया। पहली बार कहा बेस सेम है, दूसरी बार कहा हाइट सेम है, तीसरी बार में कहा बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो धीमे धीमे करके कंक्लूड करने का, एक साथ नहीं, डायरेक्ट यहां पर बता रहा हूं, धीमे धीमे करके पहले बेस सेम दिखाओ फिर हाइट सेम दिखाओ फिर बोलो दोनों सेम। अब वो ट्राइंगल जिसकी दोनों चीज सेम तो उनका एरिया कितना है? वो ट्राइंगल जिसकी दोनों चीज सेम उसका एरिया कितना? तो आप बोलोगे 1/1। ऐसा कौन बोलता है? प्रॉपर्टी बोलती है। ट्राइंगल का एरिया 1/1 कैसा? रीजन दो। सिंस ट्राइंगल हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, ट्राइंगल का एरिया 1/1 कैसा? सिंस ट्राइंगल हैव सेम बेस एंड सेम हाइट। अब आप कहोगे सम खत्म, मांगा हुआ मिल गया। तो मैं बोलूंगा नहीं, ये ऊपर नीचे है और ये आजू बाजू में है, तो ऊपर नीचे को आजू बाजू में कैसे करेंगे? एक स्टेप और आगे जाओ, जो ऊपर नीचे है उसको आजू बाजू में लिख दो और ये आंसर सही सही। ऊपर नीचे को प्रोपोर्शनल कहते हैं, आजू बाजू को रेशियो कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखो एकदम आसान है, एकदम आसान है। मेरे कराए हुए सम को बार बार करो, बार बार समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आपका 1.1 प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या था? बेस भी सेम हो, हाइट भी सेम हो तो एरिया 1/1 के बराबर, बेस भी सेम हो हाइट भी सेम हो तो एरिया 1/1 के बराबर। और इस प्रॉपर्टी नंबर 4 में
जो स्टेटमेंट है ना वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। हमने प्रॉपर्टी नंबर वन भी करा था बेस सेंटर एरिया हाइट के बराबर, वहां पे स्टेटमेंट कम इस्तेमाल हुआ था। हमने प्रॉपर्टी नंबर टू भी करा था हाइट सेंटर एरिया बेस के बराबर, वहां पे स्टेटमेंट कम इस्तेमाल हुआ था। हमने प्रॉपर्टी नंबर थ्री भी किया था जब कुछ नहीं सेम, तो वहां पे भी स्टेटमेंट कम इस्तेमाल हुआ था। लेकिन जब हर चीज सेम है ना तो वहां पे स्टेटमेंट ज्यादा इस्तेमाल होता है। समझ में आ रहा है? देखो हो सकता है कि मेरा सोचा हुआ और मेरा कराया हुआ आपकी सोच से मैच नहीं कर रहा होगा, हो सकता है कि मेरा सोचा हुआ और मेरा कराया हुआ आपकी डाइजेस्ट या आपके स्कूल वालों से मैच नहीं कर रहा होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं गलत हूं, है ना। मैथ्स के 10 रास्ते होते हैं और इस मैच कराने वाले 10 लोग होते हैं, तो उसमें से मैं भी एक हूं। सबकी अपने अपने अलग अलग सोच होती है। हम किसी भी सोच से जाएं, हम कोई भी रास्ता चुने, आंसर जो आएगा ना सबका एक ही होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज आपको दोसम करवाऊंगा, तो मैंने करवा दिया। मैं आपको कल भी दोसम कराऊंगा और हमारा 1.1 फिनिश हो जाएगा। हल्की हल्की तकलीफ हो रही होगी आपको, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस तकलीफ को दूर कर सकते हो बार बार प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो मैं आज मेरा लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दोस्तों के साथ।